हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एडवेंचर। माय नेम इज नकुल एंड आई एम अ ट्रैवलिंग ब्लॉगर। तो मैं अपना 100 रुपए वाला रूम छोड़ के रेलवे स्टेशन आ पहुंचा हूँ। ये पुरी रेलवे स्टेशन है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी बन रहा है। आज हम पुरी से निकलेंगे भुवनेश्वर के लिए, जो उड़ीसा की राजधानी भी है। चलो जल्दी से निकलता हूँ, पहुँचता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं जल्दी आ गया, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है। उसके बाद मैं वहाँ से ट्रेन लेता हूँ। ट्रेन लेने के बाद वो मुझे पहुँचा देती है भुवनेश्वर। मैं एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा था जिसमें थोड़ी बहुत भीड़ हो रही थी। थी वो ट्रेन जिससे मैं अभी अभी यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैं लिंगराज रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ, भुवनेश्वर से एक स्टेशन पहले। तो आज हम जाएंगे लिंगराज के दर्शन करने और आसपास के 5-6 मंदिर और घूमेंगे। यहाँ के मंदिर अलग ही लेवल के, हर मंदिर में से एक अलग ही तरह की खुशबू आ रही होती है, मैं क्या ही बताऊँ। लिंगराज मंदिर शिव जी को समर्पित है। लिंगराज नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये 12 ज्योतिर्लिंग से कनेक्टेड है। माना जाता है अगर आप इनके दर्शन कर लेते तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग का सुख प्राप्त होता है। ये भुवनेश्वर के सबसे बड़े मंदिर में से एक है। ये मंदिर राजा जजाति केसरी ने बनवाया था और 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाकी चीजें मंदिर में पहुंचने के बाद बताता हूँ। चलो निकलते हैं यहाँ से, अभी काफी कुछ विजिट करना है। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे है इसका टिकट घर। यह है टिकट घर। गूगल मैप के अकॉर्डिंग मेरे को इस रास्ते से निकलना है मंदिर तक पहुंचने के लिए। भाई निकलते हैं, जय हो गूगल मैप की। गूगल मैप का बस चला तो पता ना कहाँ कहाँ से निकाल दे मेरे को। अबे यार लग गई थी अभी पैर में, पता नहीं क्या ही करवा के मानेगा गूगल मैप। आज ये मेरे साथ खेलने के मूड में है। रेलवे स्टेशन के बाहर अच्छी पेंटिंग बनी हुई, यहाँ पे भक्ति का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। रास्ते में मेरे को एक टेम्पल दिखा है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। अगर 2-3 किलोमीटर का सफर रहता है तो मैं उसे पैदल कवर करता हूँ ताकि मेरे को वहाँ की खूबसूरती नजर आ जाए। अगर मैं किसी से पूछता हूँ ये जगह कहाँ पे है तो लोग मेरी भाषा नहीं समझ पाते, ना मैं उनकी। बहुत बुरा लगता है जब मैं उनकी नहीं समझ पाता, वो समझे ना समझे, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग मेरे बारे में भी बात कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा फील होता है, बस कन्फर्म नहीं होता हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। हम आ चुके हैं शिव जी के एक बड़े से मंदिर में। काफी बड़ा मंदिर लग रहा है ये भी। नंदी जी और शिव जी काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उड़ीसा की लोकल लैंग्वेज में कुछ लिखा है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये साफ पता चल रहा है 12 ज्योतिर्लिंग दर्शाए गए हैं। यहाँ पे बेल के पेड़ की पूजा होती है, जो कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बना रखा है। इसकी सेफ्टी के लिए बना हुआ है ताकि ये पेड़ टूटे ना। इस मंदिर का आर्किटेक्चर तो बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है, शायद ये पत्थरों का बना हुआ होगा। चलो टच करके देखते हैं, दूर से तो लग रहा है लकड़ी का है जैसे। नहीं ये पत्थर का है, लकड़ी का नहीं है। यहाँ पे ये किचन है, अभी मैं मंदिर के अंदर नहीं गया हूँ। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। दीवार पर 9 देवियों की पेंटिंग भी बनाई हुई है। ये एक देवी है, इनका नाम नहीं पता है मेरे को, क्योंकि इन्होंने उड़िया में लिख रखा है यहाँ पर। इस मंदिर में एक कुंड भी है, काफी बड़ा मंदिर है। मेरे को यहाँ पे बैठने के लिए कहा गया है, प्रसाद लेके आ रही है मेरे लिए एक आंटी। यहाँ पे इन्होंने मेरे को दिया है शिव जी का प्रसाद। वाह यार, काजू बादाम भी डले हुए हैं। थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। मंदिर में एक और मंदिर है जो कि राधा कृष्ण को समर्पित है। राधे कृष्ण जी की कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। यहाँ पे तुलसा जी भी है। ये मंदिर बंद हो चुका है, ये हनुमान जी को समर्पित था। इस मंदिर का नाम भीमेश्वर मंदिर है। यहाँ पे इन्होंने मेरे को प्रसाद दिया है और इतने प्यार से, मतलब कि एक अलग ही रिस्पेक्ट दिए। इन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो, मैंने बोला उत्तर प्रदेश से। उन्होंने पूछा यहीं पे आए हो स्पेशली, मैंने कहा यहाँ के लिए नहीं, मैं लिंगराज मंदिर आया था तो मेरे को बीच में लगा कि मेरे को इस मंदिर में जाना चाहिए, तो मैं आ गया। तो ये अंदर से प्रसाद निकाल के लाया, बहुत सारा यहाँ पे भोग बनता होगा, तो उन्होंने वो भोग मेरे को दिया है। अभी तो मेरा मन नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा खा लिया है। अब बाकी भोग मैं बाद में खाऊंगा, बचा लेता हूँ अभी बात के लिए। बाकी कोई होगा जिसे मैं दे सकता हूँ तो मैं दे दूंगा। मजा आ रहा है, अब तो पहली बार ऐसा कुछ फील हो रहा है। तभी मैं छोटे रास्ते को पैदल चल के कवर करता हूँ। ये मंदिर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा शांति है यहाँ पर। यहाँ पर मेरे को घर जैसा फील होने लगा था। मैं बहुत देर तक रुका हूँ यहाँ पे, कम से कम 1-1.5 घंटा तो हो गया है। अब चलते हैं लिंगराज मंदिर की ओर। अब मंदिर बंद हो गया, 11:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। इसी मंदिर के पास, इस मंदिर से रास्ता डिवाइड होता है, एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है। इधर लिखा हुआ है देख लीजिए, तो लेन 2 पे जाना है हमको, यहाँ से हमारा मंदिर पास रहेगा। ये तखड़ा बना रखा है इन्होंने। ये सब देखते हुए तो जाता हूँ, रास्तों को मजा ही आ जाता है। यहाँ की सड़कों में देखो कैसी टाइल्स लगी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है ये। यहाँ पे जो मंदिर में पुजारन थी उनको हिंदी आती थी, मतलब यहाँ के कुछ लोगों को हिंदी आती है। यहाँ के मंदिरों में एक अलग ही वाइब और खुशबू आती है, पता नहीं किस चीज की खुशबू, अगरबत्ती यूज करते हैं शायद। भाई इस मंदिर में देखो कितनी तेजी से आरती हो रही है, और आरती की आवाज मेरे को यहाँ तक आ रही है। बड़ी तेज खुशबू आ रही है इस मंदिर से, फूलों की आ रही है, पता नहीं वही वाली खुशबू है सेम।
यहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर था और बहुत धूमधाम से यहाँ पे आरती हो रही थी, भोग लगाया जा रहा था। यहाँ पे शायद चंदन की खुशबू आ रही थी, जिस खुशबू की मैं बात कर रहा था शायद यही लिंगराज मंदिर होगा। एक प्राचीन और सुंदर टेम्पल ये भी है, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए रास्ता बंद कर रखा है। ठीक इसी मंदिर के बराबर में ये मंदिर है। इस मंदिर के बारे में यहाँ पे ये सब लिख रखा है। ये है मंदिर का फ्रंट गेट। अभी हम अंदर चलते हैं। मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, आसपास बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। इस मंदिर के अंदर चल के देखते हैं क्या है। इसके अंदर एक खंडित शिवलिंग है, यह भी एक शिवलिंग है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर और है, इसके अंदर भी एक शिवलिंग है। यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े मंदिर हैं। ये कंफर्म हो गया ये मंदिर शिवलिंग को समर्पित है। मैंने इतने सारे शिवलिंग देख लिए और ये नंदी जी भी देख लिए। अब चलते हैं मेन मंदिर के अंदर। आसपास आपको बहुत सारी खंडित मूर्तियां दिख जाएंगी। मैं गेट खोल के सीधा अंदर घुस चुका हूँ। यहाँ पे जगन्नाथ जी की प्रतिमा है, बलभद्र और सुमित्रा भी है। सच्ची में बहुत अलग ही खुशबू आ रही है यार। बहुत ज्यादा ठंडा है मंदिर अंदर से। मैं सोच रहा था कि मंदिर में कुछ नहीं होगा। नंदी जी पे ताजी ताजी फूल चढ़ाए गए हैं। हो रहे शिव जी, नंदी जी के ठीक सामने शिवलिंग ना हो ऐसा हो सकता है। हर हर महादेव। और इनका रूप ये देखिए, पूरा रूप शिव जी है, वासुकीनाथ है और में त्रिशूल और बहुत बड़ी रुद्राक्ष की माला। वही सेम वाइब, इतना मंदिर टूटा हुआ है उस वजह से। मैंने सोचा था अंदर ज्यादा अच्छा नहीं होगा मंदिर, क्या पता शिवलिंग ही टूटा हुआ हो, मतलब खंडित हो, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ऊपर घंटियां भी है। जय शिव शंकर। काफी सालों पुराना होगा, बरसों पुराना नहीं सदियों पुराना होगा। ये नकाशी देखिए इस मंदिर की, ऊपर से नीचे तक बहुत ज्यादा खंडित हो रहा है। तो अंदर जब शिवलिंग पे जल चढ़ता है तो इधर की तरफ से बाहर आता है। ये जल आने का बाहर का रास्ता है। वहां से लेकर के ये पूरे यहाँ से वहां तक छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। ये छोटे छोटे मंदिर के अंदर शिवलिंग बने हुए हैं। ये मंदिर है, इसके ठीक नीचे शिवलिंग है और उस शिवलिंग पे जल चढ़ता है तो इस जगह से बाहर आता है और ये इधर इकट्ठा हो जाता है, फिर लोग अपने घर ले जाते हैं। सेम ऐसा ही केदारनाथ में होता है, वहाँ पे जल चढ़ता है और ऐसे ही रास्ते से बाहर आता है और उस जल को केदारनाथ वाले को घर ले जाते हैं लोग। मतलब मोस्टली शिवलिंग में ऐसा रास्ता बना होता है जहाँ से आप जल इकट्ठा करें, घर को ले जा सके। ये भी एक जगह है जल निकलने की। यहाँ पे भी जो मूर्तियां रखी हुई थी उन मूर्तियों पे जल चढ़ता है और फिर वो बाहर आ जाता है। ये है पीछे का नजारा इस मंदिर के। इस मंदिर के आसपास भी कोई नहीं है, मतलब पूरा सुनसान टाइप है। बैठने के लिए सीट बना रखी है। आप ढूंढेंगे इस मंदिर का नाम क्या है। अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं, पुजारी जी से पता करेंगे इस मंदिर का नाम क्या है और इस मंदिर के बारे में अगर वो हमको कुछ बताते हैं तो ठीक है, वरना जरूर पता करेंगे इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है। ये एक मशीन लगा रखी है इन्होंने, पता नहीं बहुत पुरानी मशीन लग रही है, तो सदियों पुरानी। इसका तार सीधा मंदिर की चोटी तक जा रहा है। मंदिर को डेवलप करने के लिए ये सब यूज होते हैं। ये समय के साथ टूट फूट हुई होगी या फिर किसी अत्याचारी ने अत्याचार किया होगा। ये वर्ड मैंने मुगलों के लिए यूज किया है। जय शिव शंभो। ये जम लिंगराज मंदिर है और वो लिंगराज मंदिर जो उधर है। अच्छा सारी चीजें, मतलब ये टूटी कैसे होंगी? भगवान के क्रोध से वो फूट गया। अच्छा भगवान के क्रोध से फूट गया था ये सारा? ये सारे जितने भी शिवलिंग हैं भगवान के क्रोध से फूटे थे। हाँ। तो क्यों क्रोध किया था भगवान ने? क्रोध किया, पाप बढ़ गया, सब आदमी सब झूठ फूट बोलने लगे, सत धर्म में नहीं चले। अच्छा। इसीलिए भगवान नाराज नहीं होंगे। अच्छा अभी तो गांधी बूढ़ा नहीं है ना, एक चप्पड़ मारने से दूसरा गाल दिखाएगा। हाँ। है ना। ये क्यों मंदिर टूटे हुए हैं इतने सारे? पर ऐसे भगवान क्रोध हो गए तो सब ब्लास्ट हो गए। अच्छा एक दिन अचानक। अच्छा तो ब्लास्ट होने का कारण ये था कि पाप बढ़ रहा था। पाप बढ़ गया। अच्छा कितना पुराना होगा लगभग ये मंदिर? मंदिर तो बहुत पुराना है, वो तो कह नहीं सकते। आप कितने टाइम से इस मंदिर की देख रहे हैं? पर लिखा हुआ है, चलो लिख दे। अच्छा आप कितने टाइम से इस मंदिर की देख रहे कर रहे हैं? हम तो हो गया हमारा 10 साल हो गया बाबा। 10 साल। अच्छा ये उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। हाँ ये इंग्लिश है ना। हाँ इंग्लिश लिखा हुआ है। ये देखो इस मंदिर के बारे में सारी चीजें ये लिखी है, आप पढ़ लेना, पुजारी जी ने मेरे को बताई है। और कुछ चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है। और ये मंदिर में मतलब वो काई जैसा नहीं होता, काई जैसा लग रखा है। ये देखो यहाँ पे काली काली। ये कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है ये? देवाय नमः। अच्छा ये भी शिव जी का मंदिर है? नहीं नहीं जगन्नाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथ है, शिव जी है। अच्छा ये तो सारे देवी देवताए हैं। अच्छा और ये किस चीज का मंदिर है? बजरंगबली का मंदिर। ये भी पहले का स्थापित है या अभी लोगों ने स्थापित किया? ये पहले का, उसी टाइम का है। तो लोगों ने इसकी देखरेख अच्छी करी है इस वजह से ये बचा हुआ है, वरना ये भी समय के साथ विलुप्त हो जाता। अच्छा यहाँ से लिंगराज मंदिर कितनी दूर पड़ेगा? अब 100 मीटर 100 मीटर पड़ेगा।
यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है जो कि समय के साथ विलुप्त हो गए हैं। यह भी एक मंदिर है और इसके जस्ट अपोजिट में भी एक मंदिर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी मंदिर के जस्ट बराबर में आप देख पा रहे हैं लिंगराज मंदिर, जो कि 10-11 शताब्दियों से ये मंदिर सिर्फ ऐसे ही खड़ा हुआ है। कुछ मंदिरों पे तो उनका नाम तक नहीं लिखा हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि ये मंदिर है, इस मंदिर के मैंने आसपास सब घूम लिया, कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ है। चलो अब इस मंदिर की तरफ चलते हैं। इसमें तो लगता है भाई लोग मछली पकड़ रहे हैं। जल्दी से रास्ता ढूंढता हूँ मंदिर के अंदर जाने का। ये 12वीं और 14वीं सेंचुरी का है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। साइकिल तो खड़ी हुई है पहले से। अब मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ ये जानने के लिए ये मंदिर इतने सारे टूटे क्यों हैं, इसके अंदर नहीं जा सकते, ताला लगा हुआ है मंदिर में, और ये मंदिर आधा ऊपर से टूटा हुआ है। हाँ मैं सही था, ये भाई लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। इस मंदिर में एक बड़ा सा कुंड भी है ना, जिसका पानी साफ गंदा नजर आ रहा है। ये किसी के रहने का घर बन चुका है मंदिर, वो ऊपर गार्डन होगा उसमें भी ताला लगा हुआ है, अंदर नहीं जाने देंगे। बट मेरे सिवा है ही कौन यहाँ पे जो मुझे अंदर नहीं जाने देगा। मेरे को अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा है तो मैंने इसलिए सोचा अंदर नहीं जा रहे। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे हैं इस मंदिर के दर्शन करने से, मतलब एकमात्र इस शिवलिंग के अंदर मंदिर में दर्शन करने से आपके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन माने जाएंगे। वही सौभाग्य प्राप्त होगा जो आपको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद प्राप्त होता। वहाँ पे जाना, दर्शन करना, सेम आपके लिए वो चीज हो जाएगी। हम भी चलते हैं अब लिंगराज मंदिर के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भी खंडित मंदिर है। लिंगराज मंदिर में जाने से पहले एक और मंदिर पड़ा है, वो 13वीं सेंचुरी का है, 13वीं शताब्दी का। इसके अंदर चलते हैं पहले। पैदल आने का यही फायदा है, अगर आप पैदल आओगे तभी इन सब मंदिरों के दर्शन इतने मजे से कर पाओगे। यहाँ पे तो गार्डन बना दिया इस मंदिर में। इस मंदिर में सबसे पहले मेरे को तुलसा जी दिखाई दिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये कृष्ण जी का मंदिर हो सकता है। ये अच्छा है, इन्होंने केयर कर रखी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरियाली हो रखी है यहाँ पे। भले ही मान लो खंडित है, लेकिन ये तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मंदिरों पे तो केयर भी नहीं कर रखी है, ऐसे ही छोड़ रखा है। 11वीं सेंचुरी का मतलब 11वीं शताब्दी का लिंगराज मंदिर, अब हम वहाँ जा रहे हैं। अभी तक हम उस सामने वाले मंदिर में बैठे हुए थे, मैं लाइव भी आया था वहाँ बैठने के बाद। बड़ा सुकून सा प्राप्त हुआ, मजा ही आ गया यार वहाँ तो। ये सीढ़ियां ऊपर तक जाने के लिए, बट इन सीढ़ियों से आप बस मंदिर के अंदर झांक सकते हैं, जा नहीं सकते। ये था गेट लिंगराज मंदिर के अंदर जाने के लिए। मैं सीढ़ियों से ऊपर आ गया, ऊपर से मंदिर देख रहा हूँ। वो देखो पानी दे रहा है वहाँ पर। अगर मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊं तो बहुत ज्यादा मंदिर है इसके अंदर, और ये देखो बीच में बड़ा सा लिंगराज मंदिर। वाह यार, हमें देखने तो मिल गया। चलो चलते हैं इसके अंदर, जाते हैं जल्दी से। यहाँ से तो हम बस मंदिर को देख ही पाए, अब अंदर जाके दर्शन करेंगे। ये लिंगराज मंदिर के बाहर की दीवार है, बड़ी ऊंची यार, कूद के भी अंदर नहीं जा सकता यहाँ से तो। ये मंदिर के आसपास का इलाका है, जो छोटी मोटी मार्केट लगी हुई है वो यहीं पे लगी हुई है। यहाँ पर भी एक लेक है, वाह, और छोटे छोटे मंदिर है जैसे कि आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ जगन्नाथ मंदिर वाला जादू काम नहीं करता, उधर भी चल रहा है, मतलब लेफ्ट साइड फ्लैग जा रहा है और इधर भी लेफ्ट साइड फ्लैग जा रहा है। ये मंदिर के आसपास का इलाका है जैसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। फाइनली ये है फ्रंट गेट जिससे मंदिर के अंदर जाया जाएगा, और देखते हैं फोन ले जाना अलाउ है या नहीं है। यहाँ पे लिखा है अलाउ नहीं है अंदर कुछ भी ले जाना। नॉट अलाउड इनसाइड टेम्पल। शू, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, बैग, हेलमेट, बेल्ट एंड छाता। तो फिर अंदर होके आते हैं, फिर आपको यहाँ की हिस्ट्री बताऊंगा और अंदर का एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसा रहा। यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाया जाता है अंदर। पहली बार एक भाई ने बोला कि आपका यूट्यूब चैनल है ना, बड़ा अच्छा सा लगा, एक थोड़ा सा खुशी सा मिली। यहाँ पे जूते जमा करने आया था। थैंक यू भाई। आपको लिंगराज मंदिर के बारे में बता देता हूँ। लिंगराज मंदिर लिंगों का राजा है, जितने भी ये शिवलिंग है इन सब का राजा माना जाता है लिंगराज मंदिर। 10वीं-11वीं सदी में ये मंदिर बनाया गया था। एक्सपीरियंस बताऊँ, लिंगराज मंदिर के अंदर मैं गया, वहाँ पे बहुत ज्यादा चमगादड़ की बदबू आ रही थी। मतलब वहाँ पे इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी चमगादड़ की कि मैं अंदर गया तो मुझसे सांस भी सही से नहीं ली जा रही थी। दर्शन करके मैं बाहर आया तो मेरे को रिलैक्स फील हुआ, आते वक्त भी रिलैक्स फील हो गया था, लेकिन जाते वक्त मुझसे जाया नहीं जा रहा था। यह मंदिर शिवलिंग को समर्पित है। 108 शिवलिंग है मंदिर के अंदर टोटल, ऐसा मेरे को वहाँ के पुजारियों ने बताया था। और बहुत सारे शिवलिंग है भी। मंदिर के अंदर 2 कुएं हैं और बाहर एक कुंड है, जिस कुंड पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ ये आपको नजर भी आ रहा हूँ। मंदिर का निर्माण कलिंग और उड़िया शैली में किया गया है। सबसे पास रेलवे स्टेशन पड़ता है लिंग रोड। आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से आ जाएं या फिर लिंग रोड रेलवे स्टेशन से यहां तक आ सकते हैं। जहां से मैं आया था लिंगराज रोड रेलवे स्टेशन। इस मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 55 मीटर है। मंदिर में एक शिवलिंग है जो कि 8 फीट मोटा और 1 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर फोन ले जाने की अनुमति भी नहीं है। और वैसे ये भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ना भूलें। मंदिर के पास ही बच्चों की एक्टिविटीज हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को देख करके। पीटी क्लासेस, स्पोर्ट क्लासेस चल रहे हैं, स्पोर्ट क्लासेस। भुवनेश्वर टेम्पल के लिए घूमने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, वो सामने देखो आप
जल के बीचों बीच में टेंपल बना हुआ है। नाम से ही समझ जाओ भुवनेश्वर रखा हुआ है। तो इस जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान ही नजर आएंगे हर जगह। ये देखिए टेंपल पूरा लेक के बीच में बना हुआ है, आसपास ही लेक है। मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है यार। सड़क के बीचों बीच में मंदिर है भाई साहब, कोई हटा नहीं सकता। रोड राइट में है और लोगों के चलने के लिए लेफ्ट बना रखा है बैरियर जैसा। यहाँ की ये चीज मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी।